Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Zaike Kiram. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हमने सोचा कि ट्रेडिशनल सी डिशेज तो हम काफ़ी अरसे से बना रहे हैं, तो आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया जाए। तो आज हम स्पेशली आपके लिए बनाने वाले हैं चिकन साथे विद पीनट सॉस, गार्लिक फ्राइड राइस और इलेक्ट्रिक ब्लू लेमनेड। तो मैं आपको सब चीज़ें अलग अलग बताती जाऊँगी स्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप में हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ाहिर चिकन है, चूँकि मैंने बीच में से पतले स्लाइसेस कर लिए हैं। ठीक है, मेरे पास है सोया सॉस, सॉल्ट, स्मोक्ड पैप्रिका, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर नहीं हो तो कैसे बनानी है अपनी पुरानी वीडियोज़ में। और ये है मेरे पास वाइट पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर और ये कुछ हॉट सॉस है। और थोड़ा सा मेरे पास है लेमन जूस। लेमन जूस हमारे पास तकरीबन हाफ कप है, क्योंकि हम इसको काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करने वाले हैं। तो अपना पहला स्टेप शुरू करते हैं मैरिनेशन का। तो शुरू करें। ठीक है जी, दो टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ठीक है, दो ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस। ठीक है जी, और इतना ही हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, अराउंड 2 टीस्पून। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ड्राई मसालों की तरफ। हाफ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं वाइट पेपर पाउडर, हाफ ही टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं स्मोक्ड पैप्रिका, हाफ टी स्पून अगेन ब्लैक पेपर क्रश्ड। मैं उसी वक्त क्रश करती हूँ क्योंकि वो रिलीज़ करता है अपने ऑयल्स, तो हमेशा टेस्ट बहुत बेटर आता है। हाफ टी स्पून मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ ये कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी तो आप एक भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डालने वाली हूँ अराउंड ये 3/4 के करीब टी स्पून सॉल्ट का, क्योंकि नॉट टू फॉरगेट हमारे सोया सॉस भी जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे और हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। ठीक है, जब ये थोड़ी देर मैरिनेट हो जाएगा तो हम इसको अपने ये बैम्बू के स्क्यूअर्स हैं उस पर लगाऊंगी मैं, जो कि मैंने पानी में सोक करके रखे थे 1 घंटे। दैट वे जब हम इसको ग्रिल कर रहे होंगे तो ये आग नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, ये हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया है और इस तरह से हम अपने स्क्यूअर्स पे इसको लगाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। एंड देखिए जी, इस तरह से हम लगाते जाएंगे। ठीक है जी, और इसी तरह हम अपने सारी ये स्टिक्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, ये सारी हमने प्रिपेयर कर दी हैं, इनको हम थोड़ी देर रखते हैं कि ये मैरिनेट होती रहें और हम अपना पीनट सॉस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये मेरे पास है अराउंड 3 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। ठीक है, ये है मेरे पास 3 ही टेबलस्पून पीनट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे पास है क्रीम्ड कोकोनट। मैंने तो इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि फिर बाकी का ज़ाया जाता। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो 3 से 4 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट के गर्म पानी में भिगोएं, आधा घंटा भीगा रहने दें और उसके बाद उनको अच्छी तरह से छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लें, तो आपके पास थोड़ा सा वो कोकोनट पील की तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, स्मोक्ड पैप्रिका, सोया सॉस, सॉल्ट, वाइट पेपर, हॉट सॉस एंड ये लेमन जूस हमारा। और बहुत थोड़ा सा हम इसमें यूज़ करेंगे ये बारीक कटा हुआ गार्लिक। ठीक है, तो चलें अपने सॉस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पीनट्स थी, इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करके निकालेंगे और उसके बाद हम इनको मोटा मोटा कूट लेंगे। ठीक है, बाज़ लोग जो है वो इसकी जगह पीनट बटर भी यूज़ करते हैं, बट मुझे इस तरह से ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो, जल्दी से बनाना हो, तो पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप। पीनट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं प्रॉपरली, तो अब इनको मैं कूल डाउन करके और फिर उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, थोड़ा मोटा ग्राइंड करूँगी। ठीक है, ठीक है जी, पीनट ग्राइंड करके मैंने रख लिए हैं।
साथ ही साथ ये जो हमारा क्रीम्ड कोकोनट था इसमें मैं बहुत थोड़ा सा हॉट वाटर डालूंगी ताकि ये डिजॉल्व हो जाए। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने सॉस की तरफ। सबसे पहले मैं बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करूंगी, लाइक 2 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा एंड मैं इसमें ये अपनी टमाटर प्यूरी ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी बहुत थोड़े से ये गार्लिक, लाइक 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम सौते करते हैं, फिर इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, अभी तो कुक इट ऑल टुगेदर। इसी आँच हल्की करके हम अपनी टमाटो को सीजन करते हैं, टमाटो प्योरी को सीजन करते हैं, ठीक है, और फिर बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं अराउंड 1/4 टीस्पून स्मोक पेपरिका, 1/4 ही टीस्पून हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे, अगेन 1/4 टीस्पून हम इसमें एक क्रश्ड ब्लैक पेपर डालेंगे, ठीक है जी, एंड एक क्रश्ड रेड चिलीज कितनी डालनी है वो मर्जी मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, आपको ज़्यादा चाहिए और यू कैन 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, 1 टीस्पून सोया सॉस एंड 1 ही टीस्पून हॉट सॉस। ठीक है जी, राइट, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कोकोनट। ठीक है जी, सारा मसाला डालने के बाद हम इसमें ये कोकोनट डालेंगे, ठीक है, एंड लेट इट कुक फॉर अ वाइल बिफोर वी ऐड द अदर थिंग्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा साथ में सोते करेंगे, बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता है इस चटनी का, सारी पीनट्स ऐड करेंगे। ठीक है, अगेन इसको थोड़ी देर से हम सोते करेंगे, लाइक 1 मिनट और सो। ठीक है जी, एंड अब इसमें हम ऐड करेंगे हॉट वाटर अराउंड 1 कप। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त ये इसकी डिप बनती है पीनट सॉस। इस स्टेज पे आप अपने सॉल्ट और बाकी के स्पाइसेस चेक कर लें, कुछ आगे पीछे कमी हो तो उसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं बनता है, थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है क्योंकि डिपिंग के लिए होता है। तो इसको जब एक बॉइल अच्छी तरह से आ जाएगा उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद करके और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे एंड इट इज़ रेडी। ओके, द सॉस इज बबलिंग नाउ। हम इसमें इस वक्त ऐड करेंगे भर के 1 टेबल स्पून लेमन जूस एंड चूल्हा बंद। इसको थोड़ी देर हम मिक्स करेंगे एंड हम इसको डिश आउट कर लेंगे। द सॉस इज रेडी। चलें जी, हमारी चिकन के साथ ये तो अभी मैरिनेट हुए हुए रखे हैं, पीनट सॉस तैयार हो गया है, तो मैंने सोचा हम अपने गार्लिक राइस प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, ये है मेरे पास थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गार्लिक, ये है थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक जो कि मुझे फ्रोज़न लकली यहाँ मिल गया, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैं थोड़ा सा ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर भी नहीं चाहिए। अब गार्लिक की क्वान्टिटी कितनी रखनी है वो एंटायरली आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम तो कम। ऑब्वियसली सॉल्ट है, क्रश ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड सोया सॉस। और ये मैंने बॉयल करके रखे हैं राइस बहुत पहले से, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जैसे शाम में बनाने हैं, दावत में बनाने हैं, तो सुबह बॉयल करके एक तरफ रख दें। और क्योंकि फ्राइड राइस इसी तरह से बनते हैं, पहले से ही राइस को बॉयल करके 3/4 और हम उनको एक तरफ रख देंगे। ठीक है, तो चिकन जब मैं मैरिनेट कर रही थी तो थोड़ी सी मैंने उसमें से बचा ली थी, आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जस्ट अ ट्रिक। मैंने उसको वैसे ही थोड़े से मसाले डाल के सौते कर लिया था, क्योंकि बेटे साहब की फरमाइश आ गई थी कि पिज़्ज़ा बनाना है, तो ही वॉन्टेड टू डू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो उनके साथ मिल के बनाया था। क्योंकि
जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉयज़ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है कुकिंग सीखना, तो मैंने कहा थोड़ा सा कि ये सोशल मसला है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कस किया जाए। प्लीज़ बॉयज़ को भी ज़रूर कुकिंग सिखाएं। अक्सर देखने में आया है कि बाहर गए हुए हैं, वाइफ किसी वजह से बिजी है या कोई बार दफ़ा बीमारी हो जाती है, सब कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं, खुद क्या खाएं। तो मैन प्लीज़ इतना कैपेबल अपने आप को बनाइए कि यू कैन फीड योर सेल्फ, यू कैन फीड योर चिल्ड्रन, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो अपने बेटे को सिखा रही हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग सब भी सिखाएंगे, बेटी को भी सिखा रही हूँ वैसे मगर बेटे को भी। तो थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन वंस द पिज़्ज़ा इज़ डन एंड वो खा रहे हैं, चलिए आपको कभी पिज़्ज़ा भी बनाना सिखाएंगे बहुत ईजी और सिंपल तरीके से। तो ये तो हो गई बातें काफ़ी, कमिंग बैक टू द राइस। तो सबसे पहले हम जो है अपने राइस बनाना शुरू करते हैं। इन्ग्रीडियंट्स मैंने बता दिए हैं, अब हम चलाते हैं अपना चूल्हा और चलते हैं राइस की तरफ। फ्लेम ऑन है, उस पर वॉक रख दिया है। अगेन ऑलिव, यूजिंग ऑलिव ऑयल, 2-3 टेबल स्पून मैंने डाला है। ठीक है, जैसे कि गार्लिक फ्राइड राइस है तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू पुट गार्लिक इन देयर। मैं यूज़ करने वाली हूँ पूरा 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्राइड राइस अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाने हो तो प्लीज़ इसको छोटे छोटे बैचेस में बनाइएगा ताकि प्रॉपर बन सकें। मेरा वॉक इतना बड़ा नहीं है कि सारे राइस आ जाएँ, सम नीड टू मेक हाफ ऑफ इट और फिर बाकी के मैं दोबारा भी बना लूँगी। ठीक है, लेट देम फ्राई फॉर अ मिनट और सो और उसके बाद हम अपनी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। एक ही टेबल स्पून मैं इसमें ये ग्रीन गार्लिक भी डाल रही हूँ। और जबरदस्त खुशबू उठती है जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं चूल्हा हल्का करूँगी, आई एम गोइंग टू पुट माय राइस इन देयर। ठीक है, जितने इसमें इजीली आ जाएंगे कि टॉस हो सके आराम से। ठीक है, चूल्हा मैंने इस वक्त हल्का कर दिया है, मैं दोबारा तेज़ करूँगी। ठीक है जी, जितने ईजिली टॉस हो जाएंगे। सर्विंग करते हुए भी यही करिएगा, जब आप कभी मेहमानों को बुलाएं या घर वालों के लिए भी कर रहे हो तो फिर गरम गरम निकल के आते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, राइट, 1 टेबल स्पून इसमें जा रहा है सोया सॉस। ठीक है जी, 1/4 teaspoon के करीब ब्लैक पेपर, 1/4 teaspoon ही इसमें जाएगी वाइट पेपर। और राइस मैंने क्योंकि सॉल्ट के साथ बनाए थे तो मैं बहुत ही लाइक अ पिंच ऑफ राइस डाल रही सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉरी। बाद में हम इसको टेस्ट करके बराबर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स टॉस इट अप एंड द गार्लिक राइस इज़ रेडी। ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। अगर आपने सब पहले से प्रेप किया हुआ हो तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, चाहे तो आप प्लेन राइस भी रख सकते हैं ये साथे के साथ, मगर मुझे थोड़ा सा इसके साथ गार्लिक राइस अच्छे लगते हैं तो मैंने गार्लिक राइस बनाए हैं। इफ़ यू डोंट लाइक द फ्लेवर ऑफ गार्लिक तो कोई बात नहीं, आप प्लेन राइस बना लीजिए, डजंट मैटर, या और किसी तरह के राइस अगर आप बनाना चाहें। ठीक है, आँच तेज़ करके हम थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से टॉस करेंगे एंड देन वी आर रेडी। ता-दा, बहुत सिंपल है। ठीक है, वंस दैट्स बीन डन, फिर जो हमारी फाइनल चीज़ होगी कि हम ग्रिलिंग पैन रख के तो अपने चिकन को ग्रिल करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, अच्छी तरह से टॉस हो गया है, इट्स ऑल डन। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे जब सर्विंग कर रहे होंगे एंड द राइस आर रेडी। ठीक है, ये चिकन तो हमारी रेडी थी जो मैंने आपको बताई हुई थी, स्क्यूअर्स में लगा लिया मैंने। थोड़े से मैंने क्या किया था, मुझे मेरे पैन से इनका साइज़ बड़ा था तो मैंने इनको कट कर लिया था ताकि पैन में आराम से आ जाए। तो अब मैं ड्रिजल करती हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल पैन में और इनको ग्रिल करना शुरू करती हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप अगर कोई और सा ऑयल यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है जी, एंड ग्रिल देम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैंने इसको पतला काटा हुआ था। ठीक है, दो तरफ करके मैं करूँगी ताकि आसानी से हो जाए, 2-3 मिनट इस तरफ एंड रेडी। 3 मिनट इस तरफ हो गए थे, इनको पलट दिया है, दूसरी तरफ से भी हो जाएंगे।
तो हम इनको डिश आउट कर लेंगे। मैं सारे बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इनको सर्व कैसे करेंगे। और एन हाँ, हमें भी आपको अपना इलेक्ट्रिक व्यू लेमनेड भी बनाना है ना, तो पहले हम ये सारे बना लें, ग्रिल कर लें, फिर उसकी मदद करते हैं। ठीक है जी, ये ग्रिल करके हमने रख दी एक तरफ अपनी सौते स्टिक्स चिकन की। एंड बिफोर हम डिश आउट करें, जल्दी से हम अपना ड्रिंक प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक ब्लू लेमनेड के लिए मैं चीज़ें आपको बता दूँ। ये थोड़े से लेमन्स हैं, काट के रखे हुए हैं मैंने। ये है मेरे पास लेमन जूस, जो कि मैं अराउंड 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं फ़िलहाल 1 ग्लास बना के आपको बताऊँगी। ज़्यादा बनाना हो तो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, फ्रेश मिंट। ठीक है, ये मेरे पास है 1/2 कप शुगर, जिसमें 1/2 ही कप पानी डाल के हम पका के इसका थोड़ा थिक सा शीरा बना लेंगे, शुगर सिरप। ठीक है, ये है मेरे पास ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर मैं इसलिए यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं कैरासॉल सिरप जो होता है, वो मिलना इतना आसान नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट टर्न्स आउट टू बी अल्कोहलिक, तो इसलिए वो रास्ता नहीं कर रहे हैं, हम अपने तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ग्लास है यहाँ पे, स्ट्रॉज हैं, तो सबसे पहले हम अपना ये शुगर सिरप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, 1/2 कप शुगर एंड 1/2 कप वाटर। ठीक है, डिज़ोल्व होके जब ये अच्छी तरह से बॉयल होने लगेगा, इसको हम जो है ना वो एक बॉयल पे बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करके और हम इसको ठंडा कर लेंगे। वंस द शुगर सिरप इज़ प्रिपेयर, फिर बस फटाफट बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ कि हम अभी बर्फ़ में निकाल के नहीं लेके आई हूँ, लास्ट मोमेंट पे लेके आऊँगी, क्योंकि आज यहाँ बड़ी गर्मी है तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो बर्फ़ भी जाएगी इसमें। तो जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होकर प्रिपेयर होता है, हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे और फिर अपना इलेक्ट्रिक ब्लू लेमनेड असेंबल कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, शुगर सिरप हमारा प्रिपेयर हो गया है थिक सा, और अब हम इसको असेंबल करते हैं। ठीक है, ये पुदीने के कुछ पत्ते हैं जो मैंने इसमें डाल लिए हैं। ठीक है, 2 से 3, 3-4। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको चमचे की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेंगे, ताकि इसके हल्के से जूसेस जो हैं निकल आए, बहुत थोड़े से। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे अपना 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ठीक है, ये गया इसमें। 2 टेबलस्पून हम शुगर सिरप डालेंगे अपना, 1 एंड 2। ज़्यादा मीठा चाहिए आपको तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए, लेकिन वाइट ड्रिंक हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, आप अपनी पसंद के वाइट ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मीठी होती है। मैं डाइट में यूज़ कर रही हूँ, यस आफ्टर ऑल दैट फूड डाइट में, लेकिन ये के साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू फूड कलर। आप प्लीज़ अच्छी क्वालिटी का फूड कलर लेके आइएगा, जो कि एडिबल वाला ही हो खास तौर पे। ठीक है, तो ये अगेन मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, इसका कलर आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होता है, अगर आपको ज़्यादा ब्लूइश चाहिए मे बी यू कैन ऐड अ लिटिल बिट मोर, आप 1 टीस्पून की जगह थोड़ा सा और डाल के इसको 1 टेबलस्पून ही कर लेते हैं। ठीक है जी, नाउ कम्स इन द असेंबलिंग पार्ट। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये 1 ग्लास के हिसाब से है, आपको ज़्यादा बनाना हो तो इस तरह से आप हिसाब करके और प्रिपेयर करके रखें, ताकि सर्विंग के वक्त सिंपली आप इसको अपने ग्लास में डालिए। ठीक है, राइट, ऐड इन करें आप अपने ये आइस क्यूब्स। ठीक है, ज़बरदस्त, एंड यू एड इन वाइट ड्रिंक ऑफ योर चॉइस। ठीक है, ठीक है जी, लेमन वेज लगाएंगे, राइट, एंड ओप्स, दिस थिंग्स डू हैपन, हम इसमें डालेंगे अपना स्ट्रॉ और आपका ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक लेमनेड तैयार है। हम इसको सर्व करेंगे अपने मील के साथ, तो चलें इसको हम सर्व करके बताते हैं आपको। ठीक है जी,
ठीक है जी, सर्व कर दिया है हमने। चिकन साथे विद पीनट सॉस एंड गार्लिक फ्राइड राइस हमारा तैयार है अलोंग विद द इलेक्ट्रिक ब्लू लेमनेड, और बहुत मज़े का बनता है। इसको ट्राई करें, मुझे बताएं आप सबको कैसा लगा। ज़रूर खुद भी खाएं, सबको बना के भी खिलाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे बताते रहें कि आप लोगों को क्या ट्राई करने का मूड है, ताकि उसकी ईजी रेसिपी के साथ मैं आपको बनाना सिखा सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिए सब लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।